वंदे मातरम। आज 19 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रखे गए कैंपस एम्बेसडर नेटवर्क। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के साथ, युवा मतदाताओं के साथ, पहला मतदाता या पहली बार जब वोट डालेंगे हम किस संबंध में डालेंगे, कैसे डालेंगे और ऐसे बहुत सारी बातें जिसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, जिस निमित्त यह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में आज हमारे बीच में प्रधानमंत्री सानी राठौर जी उपस्थित हैं, पूर्व विधायक और एक कहावत है, लिख ही चले रेलगाड़ी, लिख ही चले बैलगाड़ी, लिख ही चले रेलगाड़ी, लिख ही चले सुपूत, ऐसा बोलते हैं। बहुत फेमस कहावत है जो लिख से हट करके चलता है, शेर शायर और सुपूत कभी लिख से नहीं चलते। ऐसे लिख से हट करके काम करने वाले एक गरीब परिवार से निकल करके बहुत संघर्षों के साथ जिन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके कलेक्ट्रेट से नौकरी किया, उसके बाद जनता के प्रतिनिधि बनने चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे समिति का दायित्व आज भारतीय जनता पार्टी में इनका है। आदरणीय चेतन इंदिरा जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के शांति जी के प्रभारी। आदरणीय इंदिरा मरकाम जी आप सबको जानते होंगे, लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी रहे हैं, इस बार विधायक के लिए चुनाव लड़ा। हमारे इस वार्ड के सबसे कम उम्र के पार्षद जो रहे हैं जयंत अग्रवाल जी हैं यहाँ पर। श्रीमती जी हमारे भारतीय जनता पार्टी जी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के और भी साथी यहाँ पर हैं। संजू समय दिया और अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए, उनको सुनने आए हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा अपनी बात को शुरू करें। आखिर के सभी साथियों और कॉलेज से अलग अलग लोगों से आईटी इंटरेक्शन के लिए आए हुए प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज़्यादा ना बात करती हूँ, केवल ये बात बोलना चाहूँगा कि लाइफ में फंडा क्लियर होना चाहिए, लाइफ में फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप किस तरह से सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। और जब आप क्लियरिटी रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जिंदगी के हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय कर पाए, और जिंदगी की असली सफलता वही है। हम कई बार सोचते हैं, लोग मुझे भी बोलते हैं, तरह तरह सोशल मीडिया में कई लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टर थे, कलेक्ट्री छोड़ दिए, अब कलेक्ट्री छोड़कर मतलब चुनाव हार गए, तो ऐसी बातें करते हैं कि कांग्रेस सरकार का पहला बेरोजगार ओपी चौधरी ऐसे कमेंट्स डालते हैं कई लोग। तो मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ को अपनी शर्तों पे जीए, लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना ज़्यादा ज़रूरी काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। आप लोगों, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ईसीजी मशीन का, आईसीयू में कोई रहता है तो ईसीजी मशीन चलती रहती है, देखे होंगे आप लोग, है ना, आवाज़ आती रहती है और एक ग्राफ चलता रहता है, जो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्या दिखाता है ईसीजी मशीन, हमारे हार्ट बीट को बताता है, और हार्ट बीट ऊपर नीचे जब होता रहता है ईसीजी का ग्राफ, तभी तक हमारा दिल, हमारा हृदय चलता रहता है, और जैसे ही वो फ्लैट हो गया इसका मतलब हार्ट इज डेड, ठीक है, दिल रुक जाता है, आदमी मर जाता है, ठीक है। तो आप ऊपर में फ्लैट हो या नीचे में फ्लैट हो, ठीक है, लाइफ भी इसी तरह से है कि वो डेड है, अगर आप ऊपर में भी फ्लैट हैं या नीचे भी फ्लैट हैं तब भी आप मान के चलिए कि डेड है, पूरी तरह से डेड, और जब तक ऊपर नीचे हो रहा है तभी तक लाइफ भी जिंदा है, इसी को जिंदा दिली कहते हैं। और हमको, मुझे लगता है कि उस जिंदा दिली को अपने लाइफ का प्रिंसिपल बनाना चाहिए, अपने जीवन का सिद्धांत। और आप सब लोग युवा हैं, आप सब लोग इतने कम उम्र में हैं और ऐसे दहलीज पे अपने लाइफ के खड़े हैं जहाँ से 4-5 साल अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
लेकिन इन 4-5 सालों में अगर आप डाइवर्ट हो गए, भटक गए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो आपके लाइफ को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको बेहद अलर्ट रहते हुए पूरी जिंदा दिली के साथ अपने लाइफ का गोल सेट करना चाहिए, अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह की रणनीति बनानी है ये दिलो दिमाग में क्लियर करते हुए, स्ट्रैटेजी क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना, तभी आप जीवन में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपको खुशी दे सकती है, आपको एक नई उम्मीद दे सकती है, आपको एक नया उज्ज्वल भविष्य दे सकता है, और आप लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन लाइफ को सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते, सही तरीके से प्रासंगिक तरीके से जिंदगी को नहीं जी पाते। ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइफ के फंडे अपने को क्लियर रखने, और जब हम इस तरह से करेंगे तो लाइफ के एक एक मोमेंट को इंजॉय कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव सोचता है, जो सकारात्मक सोचता है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है और आगे जाकर सक्सेस होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे बेहद जरूरी है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप सब लोगों को एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, मैं बहुत जगहों पर बात बताता हूँ, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी लगता है, उसके रियल स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है कि एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ने जाता था, पूरे स्कूल में उसको सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, सब लोग बोलते थे कि ये बेकार है, ये गधा है, और लगता था कि स्कूल के क्लास का माहौल इस बच्चे का ख़राब हो गया, ऐसे फील हो गया। एक दिन उस बच्चे को बुलाया प्रिंसिपल ने और एक नोट लिखा, और नोट लिखकर उस बच्चे को दिया, और उस बच्चे को देकर बोला कि इसको और किसी को मत देना, अपनी माँ को लेकर देना। तो वो बच्चा उस नोट को पकड़ा और लेकर गया अपने घर में और अपनी माँ को दिया। उसकी माँ ने उस नोट को पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपका बेटा इतना गधा है, ये अगर स्कूल में हमारे आएगा तो हमारी स्कूल का माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम स्कूल से इसको बाहर कर रहे हैं, ये लिखा हुआ था। लेकिन उसकी माँ ने बिना कोई नेगेटिव सोचे, बिना कुछ नकारात्मक सोचे, बिल्कुल सकारात्मक सोचते हुए तुरंत अपने बच्चे को बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि जिंदगी में कि इस पे बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार बच्चे हो कि तुमको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम घर में ही पढ़ाई कर सकते हो। बच्चा भी माँ ने पूरे संजीदगी के साथ, पूरे पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक सोचते हुए अपने बच्चे को होम स्कूलिंग के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा दी। एक अच्छी शिक्षा देने के बाद वही बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, और जिसने बल्ब का आविष्कार किया जिसको हम थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से। तो सकारात्मक सोचेंगे तो आप में भी थॉमस अल्वा एडिसन बैठा हुआ है, यहाँ पे यहीं पे आइंस्टीन बैठा हुआ है, यहीं पे न्यूटन बैठा हुआ है, यहीं पे सी वी रमन बैठे हुए हैं, यहीं पे जेसी बोस बैठे हुए हैं, यहीं पे एपीजे कलाम बैठे हुए हैं, अगर हम जिंदगी को सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। इस चीज़ को आपको लेकर, मानकर, समझकर चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी दोस्तों को यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को, अपने करियर को बहुत सकारात्मक तरीके से शेप दें, उसको बहुत अच्छी रणनीति के तहत आप आगे बढ़ें, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पे भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना। जिस दिन आप खुद पे भरोसा करना चालू कर दिए, खुद पे भरोसा करना सीख गए, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हर आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बड़े से बड़ी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। ये तथ्य है, ये जीवन का सत्य है, इसी को हमको मानकर हमेशा चलना चाहिए कि अपने आप पे हम भरोसा कैसे स्थापित करें, खुद पे कैसे भरोसा करें। कई बार हम लोग दूसरों को ही सोचते रहते हैं कि वो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, इधर भाग रहा हो, उधर भाग रहा, इस तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लाइफ को आपको उस तरीके से देखना है कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपको अपनी कमजोरियां जाननी है, आपको अपनी ताकत जाननी है, और उस हिसाब से रणनीति बनानी, तो दुनिया कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये जिंदगी का सिद्धांत होना चाहिए। कोई करियर पे जा रहे हैं हम, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तब भी इन चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जब हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपने आप पर भरोसा जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस चीज़ को हमेशा मानकर, जानकर, पहचानकर आपको चलना। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आज एक राजनीतिक मंच है ये चूँकि, तो
तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात भी कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर इसके बाद आप लोग जो सवाल पूछना चाहेंगे उन सवालों का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। राजनीतिक तौर पर मैं युवा साथी हूँ आप सब लोग, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए आज भारत की जो दशा दिशा है उसको कौन तय करती है? राजनीति। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र, किसी भी भारत जैसे एक मजबूत लोकतंत्र में देश की असली दशा और दिशा को अगर कोई चीज तय करती है तो वो राजनीति तय करती है। हम लोग कितना भी लाइक करें डिसलाइक करें, ठीक है, अभी मेरे साथ कई युवा भी आप लोग सोचते हो कि राजनीति बेकार है, राजनीति बुरी चीज है, ऐसे दिमाग में आता होगा, हो सकता है, लेकिन वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, बट पॉलिटिक्स इज द मेन फोर्स, इंजन ऑफ अ रेलवे, यू कैन से एक ऐसा इंजन है पॉलिटिक्स जो कि देश को रन करती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में असली विजन और असली तरीके से सिस्टम जो रन करता है वो निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के द्वारा रन करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में मैं 13 साल की अपनी नौकरी में रहा, मैं कहीं से उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से उसको कमजोर साबित करके कमजोर आग करके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रन करता है, ये यथार्थ, इस चीज को हमको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम एक छोटे से गांव में पैदा हुए, जब छोटा था मैं, बहुत छोटा था तब मेरे पापा गुजर गए थे, मेरी माँ 4th क्लास पढ़ी हुई है, छोटे से गांव में मैं 12th तक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 6th क्लास में ABCD पढ़ा हूँ, उसके बाद वन ऑफ द यंगेस्ट एज में कंट्री में मैं IAS बन गया, पूरे कंट्री में आप देखेंगे तो वन ऑफ द यंगेस्ट एज में IAS में आने के बाद 13 साल मैंने पूरा दिल जान देकर पूरी शिद्दत से पूरा मेहनत करते हुए मैंने काम किया। आप में से दंतेवाड़ा कोई गया है क्या? हाँ, पढ़ा सर। अच्छा, अच्छा छूल आसमान में तुम पढ़े हो? चलो यार बहुत बढ़िया, अरे नहीं दे गई, ठीक है ठीक है। देखो ये लाइव एग्जांपल है भाई अपने मेहनत का, है ना, अपने आपको ऐसे उदाहरण मिलते हैं तो लगता है कि जीवन में मोक्ष मिल गया, मोक्ष और स्वर्ग कुछ नहीं होता है, यही हमारे लिए मोक्ष और स्वर्ग है। कि आप पूछिएगा, आप इनसे पूछिएगा, आपका नाम क्या है बेटा? जगदीश साहू। जगदीश है आप इनसे? अच्छा तुम धमतरी से हो ना? नहीं, यही कांकेर से। ठीक है, कांकेर से जाकर छूल आसमान पढ़ा था, तो आप वहाँ कर जाकर देखिएगा, एजुकेशन सिटी है, इसमें करीब करीब आज की डेट में 6,000 बच्चे तक एक साथ रहते हैं वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ। भगवान ने चाहा, सिस्टम ने चाहा, सरकार ने सपोर्ट किया, तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहते हुए भी मैंने, हम लोगों ने मिलकर एक एजुकेशन सिटी बनाई, उसको KPMG ने, जो कि अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, उसने दुनिया के 100 बेस्ट प्रोजेक्ट का एक चयन किया था, एक लिस्ट निकाला, उसमें एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा को स्थान दिया दुनिया के 100 बेस्ट प्रोजेक्ट। एजुकेशन सिटी ऐसे, आप सबको पता है कि नवोदय विद्यालय होता है, आप सब जानते हैं नवोदय विद्यालय में कितने लोग पढ़े हैं यहाँ पे? नवोदय विद्यालय देखिए बहुत बढ़िया सब्सिडी के साथ अच्छी पढ़ाई कराता है, बिना खर्चा के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कराता है, लेकिन आप देखेंगे कि गांव का एलीट जो होता है, गांव का अमीर आदमी जो होता है, ठीक है, वही वहाँ पे मोस्टली सेलेक्ट होता है। गांव का एलीट, गांव का संभ्रांत किसको बोलेंगे? गुरुजी का कोई बेटा है, सरपंच का बेटा है, कोई ठेकेदार का बेटा है, कोई उप सरपंच का बेटा है ना, वो लोग मोस्टली सक्सेस होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गरीब बच्चा है गांव का, जिसको पता ही नहीं है, एक्चुअल गरीब बच्चे को तो ठीक से पता ही नहीं है कि वो नवोदय विद्यालय क्या होता है, सैनिक स्कूल क्या होता है, पता नहीं। हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे बच्चों का चयन करते थे जिनके कपड़े भी ठीक से, जिसको पहना नहीं रहता था, जिसका शर्ट फटा है, पेंट फटा है, ऐसे बच्चे 4th क्लास में जो पास हुए रहते थे उनको 100 बच्चों को लेकर आते थे और एक प्रोजेक्ट चलाए नन्हे परिंदे, उनमें हम लोगों ने उनको नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए तैयार किया, और 100-100 बच्चों को हर बैच में तैयार करते थे, और नवोदय में जितने एडमिशन होते हैं, एक्चुअल गरीब बच्चा जिसके माँ बाप को नवोदय विद्यालय क्या चीज़ है पता ही नहीं है, सैनिक स्कूल क्या चीज़ है पता ही नहीं है, ऐसे बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करा पाए। आप लोगों को मैं बता दूँ कि भाई मैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिया था, मेरे को भी नहीं मालूम थी कि तैयारी कैसे की, गाइड क्या था, मैं भी फेल हो गया। मैं सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस में आते ही आने के साथ
मैंने अपने जिंदगी में जो भोगा था उसका बदला लिया कि भाई मैं अगर नहीं हो पाया तो और गरीब बच्चों को कम से कम ऐसी सुविधा दे सकें जो सेलेक्ट हों। इस तरह से छूलो आसमान वहाँ चलाया गया, नन्हे परिंदे चलाए गए, कोटा के विन खोले गए, एजुकेशन सिटी बनाया गया, लाइवलीहुड कॉलेज चलाया गया, प्रोजेक्ट तमन्ना चलाया गया, ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किए। तो ये सब कुछ करने का मौका ब्यूरोक्रेसी निश्चित रूप से देता है, बट अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हैं, एक विजन तय कर सकते हैं, एक अगर ऐसे एक अच्छी एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसको छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में रेप्लिकेट कर सकते हैं, भारत के अन्य जिलों अन्य क्षेत्रों में उसको स्थापित कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको काम करने का बहुत बड़ा स्कोप देता है। तो मैं तो एक छोटे जगह से आया, छोटे जगह से फेस किया था, आईएएस बन गया, आईएएस बन के बहुत कुछ काम करने की कोशिश किया, 13 साल पूरी शिद्दत से मैं दिया, लेकिन मैं जब नौकरी छोड़ दिया तो बहुत लोगों को, मेरे चाहने वालों को भी कई लोगों को निराशा हुई, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और कहीं ना कहीं हम कई चीज़ों को दूर तक नहीं देख पाते हैं। मैं भी कई चीज़ों को और ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता होऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि एक डेमोक्रेसी में राजनीतिक तंत्र का सबसे बड़ा रोल होता है और पूरे प्रशासनिक तंत्र को अच्छे तरीके से संचालित करता है। एक अगर अच्छा सोचता है तो अपने डोमेन में अच्छे से काम करेगा और सैकड़ों इम्प्लाइज को प्रभावित कर लेगा, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन अच्छा सोचता है तो सैकड़ों आईएएस अफसर को प्रभावित कर सकता है। इस सोच के साथ मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, 13 साल मैंने पूरी शिद्दत के साथ प्रशासन को दिया है, अब पूरी शिद्दत के साथ लोगों से सीधे जुड़कर राजनीतिक तंत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। हम सब लोग बोलते हैं यार अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, बुरे लोग आते हैं, क्रिमिनल लोग आ जाते हैं, पैसे वाले आ जाते हैं, ये सारा आलोचना करते ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद सब लोग नहीं जाएंगे, उस राजनीतिक तंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये समस्या कैसे दूर होगी। हम एक किनारे में बैठ कर, अपने बंगले में बैठ कर, एसी में बैठ कर दुनिया को और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को गाली देते रहें, नेगेटिव बात करते रहें और अपना खुद कदम ना उठाएं, तो मैं मानता हूं कि ये भी एक बड़ा पाप होगा हम सबके लिए। तो ये हमको ये चीज़ मान कर चलना चाहिए कि लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में प्रभावित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव अबाउट पॉलिटिक्स एंड डू ट्राई टू डू पॉजिटिव फॉर पॉलिटिक्स। आप जितना कर सकते हैं अपनी जगह में, आप अपने आप को स्ट्रेच करें और इस देश के लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए जितना कुछ ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, दे सकते हैं वो दें। मैं नहीं बोलता कि सबके सब राजनीति में आ जाओ, लेकिन राजनीतिक महत्वपूर्ण तंत्र है और राजनीतिक का हम लोग एक मतदाता के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में, एक जन जागरूकता फैलाने वाले के रूप में निश्चित रूप से हमको राजनीतिक भूमिका भी निभानी चाहिए। एक पार्टी से जुड़ना, एक उम्मीदवार बनना ना भी कर पा रहे हैं, तब भी समाज में जागरूकता लाने के लिए, राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए हमारी समझ को, हमारे पढ़ाई लिखे होने को हमको सब तक फैलाना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ भाई लोकतंत्र के बारे में, राजनीति के। और हमारे देश में आज देखिए 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की, 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवा, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या आज भारत की, और हमारे देश की औसत आयु बहुत यंग है अभी, 28 साल, 28 से 29 के बीच में दुनिया में, जबकि पूरी दुनिया में एजिंग हो रही है, ओल्ड एज हो रहे हैं। जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है, इस तरह का सिनारियो है पूरी दुनिया में। तो ऐसे सिनारियो में भारत के भविष्य को अगर कोई तय करता है तो कौन तय करता है, युवा ही तय। भारत के राजनीति के भविष्य को और भारत के भविष्य को अगर कोई तय कर सकता है तो केवल और केवल युवा तय कर सकता है। आप जापान में कौन पार्टी जीतेगी या कौन नेता जीतेगा अगर वहाँ पे चुनाव होगा, तो जिसको बुजुर्ग लोग समर्थन करेंगे, बूढ़े लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे देश में वो पार्टी आगे जाएगी, वो नेता आगे जाएगा जिसको युवा लोग समर्थन करेंगे। तो आज पूरे विकास की, भारत के भविष्य की, भारत के लोकतंत्र की, भारत की राजनीति की पूरी चाबी अगर किसी के पास है तो आप लोग, इस चीज़ को आप समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। इस चीज़ को जानना समझना बेहद जरूरी है, अपने महत्व को जानना समझना बेहद जरूरी है। आप जैसा भविष्य चाहोगे भारत का, जैसा भारत की राजनीति का भविष्य चाहोगे, जैसे भारत के लोकतंत्र का भविष्य चाहोगे, वैसी भारत की राजनीति, लोकतंत्र और देश का भविष्य होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप किसी दूसरे को गाली मत दीजिए कि देश में ये नहीं हुआ, कांकेर का बाईपास इतने साल से नहीं बना। मैं तो रोज़ जब दंतेवाड़ा था तो यहाँ पर जब भी क्रॉस करता था तो मैं यही सोचता था कि भाई बाईपास 60-70 साल में कैसे नहीं बन पाया,
मैं बस्तर में जितने दिन रहता था हर दिन सोचता था कि अबूझ मार को 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का क्षेत्र है, उसमें इतने सालों तक कोई सर्वे ही नहीं हो पाया। इसके लिए राजनीतिक तंत्र सिस्टम सरकारें जिम्मेदार हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार रही हो जिम्मेदार, 50 साल तक जो भी पार्टी है आप सब जानते हैं, ठीक है, वो जिम्मेदार, इसको जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगी, ठीक है, मानना पड़ेगा। बस्तर को और कहीं ना कहीं हमको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए। सुनिए क्या अभी आप, मैं देखता हूं भाई दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बन गए, हमारे कांकेर में नहीं बन पाया। अच्छा ऑडिटोरियम मुझे नहीं लगता कि कांकेर में ऑडिटोरियम, कैसे ऑडिटोरियम बताओ, इंडिया लेवल का है कि नहीं? स्टेडियम को आप वहाँ पे जाके देखो, इंडोर स्टेडियम देखो, आउटडोर स्टेडियम देखो, बच्चों के लिए टेबल टेनिस की व्यवस्था, टेनिस की व्यवस्था, बैडमिंटन की व्यवस्था, स्क्वाश की व्यवस्था, इतना कुछ हमारे दंतेवाड़ा में हुआ और हमको कांकेर में भी ये सब चीज़ों को स्थापित करना है। और अगर ये कोई स्थापित कर सकता है तो राजनीति और प्रशासन मिलकर ही स्थापित कर सकते हैं, और हम सब लोग मिलकर जब अच्छे काम करेंगे तभी स्थापित करेंगे। इस तथ्य को हमको जानना है, समझना है, और आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, आपको मैं साफ साफ बता। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई मेरे एक वोट देने से क्या हो, ये आता है ना दिमाग में, आता है कि नहीं आता? और ज़्यादातर युवा साथी हमारे वोट देने नहीं जाते हैं, सोचते रहते हैं हाँ वो नेता अच्छा है, हीरा भैया अच्छा है, देंगे उसको वोट, जी सुमित्रा दीदी अच्छी है, देंगे उनको वोट, ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन आखिरी दिन होता देते हैं कि नहीं जाएंगे, ठीक है। एक वोट ही लोकतंत्र की असली ताकत है, इस चीज को हमको दिल जिगर में बिठा कर करना, ठीक है। अंग्रेजों ने हमको इस एक वोट वाले एक बटन को दबाने का अधिकार 200 सालों तक नहीं दिया। अगर डेमोक्रेसी होती, अगर वोट को देने का अधिकार होता, अगर बटन दबाने का अधिकार होता, तो क्या अंग्रेज 200 सालों तक हम पर हुकूमत कर पाते? हम गुलाम रहते क्या? नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते ना। चीन के 100 करोड़ से अधिक लोगों को, चीन की जनसंख्या भी कितनी है हमसे ज़्यादा, ठीक है, चीन के इतने सैकड़ों करोड़ लोगों को ये बटन दबाने का, ये वोट देने का अधिकार नहीं, ठीक है, किसी बड़े से बड़े बादशाह द्वारा, ठीक है। बादशाह तभी स्थापित की जाती है, एक राजतंत्र तभी स्थापित होता है जब ये वोट देने का अधिकार, ये बटन दबाने का अधिकार नहीं होता। आप सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका में टेक्सास राज्य का जो गठन हुआ था एक वोट के कारण निर्धारित हो पाया। अमेरिका में जब डिबेट चला था कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी हो या फ्रेंच हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही वोट से वो निर्णय हो पाया था कि एक वोट के कारण अमेरिका की क्या जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी डिसाइड हुआ। और आप सबको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा होगा उसको 100% याद होगा, केवल एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी और सैकड़ों अरबों करोड़ का नुकसान भारत देश को फिर से हुआ था, फिर से चुनाव कराने पड़े थे, अस्थिर राजनीति का, अस्थिरता का माहौल बना था। एक वोट जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीपी जोशी जी का सुने होंगे, पिछले राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के नेता हैं सीपी जोशी, जिनको मुख्यमंत्री माना जा रहा था, कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो माना जा रहा था, ठीक है, और उस समय एक वोट से चुनाव। तो आप एक वोट की ताकत को कभी मत आंकिए, एक वोट ही सब कुछ होता है। इस एक वोट के महत्व को जी जी स्वीकार करके आप मतदान करने के लिए आप दरवाजे तक पहुंचेंगे और एक बटन दबाएंगे, उसी दिन आप लोकतंत्र के भविष्य को तय करेंगे, मतदाता के रूप में लोकतंत्र के और देश के भविष्य को। तो आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ, और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। आप भाजपा में देंगे, कांग्रेस में देंगे, सीपीआई में देंगे, तो आपका बात का निर्णय होगा, लेकिन एक वोट जरूर उपयोग करें। ये मेरे दिल से गुजारिश है आप सब लोगों को कि आप जरूर इस एक वोट का उपयोग अपने वोट के अधिकार 100% आप वोट करें। आज देश में देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल हैं जो सब लोग इकट्ठा होकर मोदी जी को हरवाना चाहते हैं, ठीक है, कोशिश कर, दुष्प्रयास कर, ठीक है। लेकिन आप मोदी जी का पूरा हिस्ट्री उठा के पढ़िए, पूरी उनकी ज़िंदगी पढ़िए, एक व्यक्ति बड़ नगर में चाय बेचने वाले परिवार में पैदा हो, बड़नगर के रेलवे स्टेशन में वो चाय बेचते थे उनके पिताजी, वहाँ पे वो पैदा होते हैं, वहाँ पे वो जुड़े रहते हैं, फिर वो सब कुछ छोड़ के
प्रचारक बनकर देश की सेवा के लिए निकल जाते हैं और पूरा जिंदगी ऐसी चलता है उनका। और आप देखिए कि मोदी जी का के भाई कहाँ पे कैसे रहते हैं, आप पूरा स्टडी करिए, रुक जाओ, मोदी जी के भाई कहाँ पे कैसे रहते हैं आपको पता चलेगा कि जो मंत्रालय में क्लर्क है उनका भाई वो केवल अपना 10 से 5 की अपनी नौकरी कर रहा है चुपचाप। जो उनका भाई गल्ले का दुकान या कोई दुकान चला रहा है वो चुपचाप अपनी दुकान चला रहा है। उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, किसी को लगता है क्या कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ, उनको अपना एजेंडा है कि उनको पैसा कमाना है, कि उनके अपने बेटी बेटा भतीजा को सेट करना है राजनीति में, ऐसा है क्या? है ना, बिल्कुल नहीं है। वो केवल और केवल वो व्यक्ति चाहते हैं कि देश को सेट करें, ये उनकी कोशिश है, ये उनका प्रयास है। आप देखिए, हम लोग बोलते हैं, देखो कोई भी 5 साल सरकार में रहे तो विशेषकर मैं देखता हूँ कि कांग्रेस अलग अलग तरह से अफवाह फैला के, अलग अलग तरीके से अफवाह फैला के बदनाम करने की कोशिश करती है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़िएगा, पूरा पूरा इकोनॉमिक्स पढ़िएगा कि पिछले UPA 2 के टाइम में 2009 से 2014 के बीच में किस तरह से काम हुआ, इस चीज़ को समझिएगा, पूरी तरह से समझिए। उसमें आप पाएंगे कि 1947 से 2008 तक करीब 60 साल में बैंकों के द्वारा 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया, लेकिन 2008 से 2014 के बीच में केवल 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसको भी उसको बोला जाता है कई बार भाषा में टेलीफोन बैंकिंग, जिसको जिसके नाम पे टेलीफोन कर दिया गया उसको तुरंत लोन मिल गया, तुरंत लोन मिल गया। और मैं बोला 60 साल में 18 लाख करोड़ लोन दिया गया था, लेकिन 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपए लोन दिया। और इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे, पूरा एक बबल क्रिएट हो गया, सबको लगा कि अरे बहुत विकास हो रहा है, बहुत रियल जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, घर के रेट बढ़ रहे हैं, और उसको बोलते हैं बबल। ऐसा इकोनॉमी में होता नहीं, लेकिन बैंक से आप एक बार एक साथ 34 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दोगे तो इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पूरा बबल माहौल क्रिएट हो जाएगा, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हुआ था, ग्रीस की अर्थव्यवस्था में हुआ था। और बैंक दिवालिया होने के कगार पे पहुंचने वाला था देश की अर्थव्यवस्था। देश का सौभाग्य था कि 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बन गई और उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से ठीक किया, पटरी पे लाया, नहीं तो इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती। देश की अर्थव्यवस्था जब मोदी जी आए थे तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, पता है ना आप सब लोगों को, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। लेकिन इन 4.5 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था थी उसको 6वें नंबर पर, अब भारत दुनिया के 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और चुनाव के होते होते 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसको छोड़कर ब्रिटेन को छोड़कर इंग्लैंड को छोड़कर, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया हम उसको कुछ महीने में उसके अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे, बड़ी अर्थव्यवस्था है कि नहीं, ये अचीवमेंट है कि नहीं आप बताओ ना। 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं और मोदी जी कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, विजन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आए और लोगों को लुभाने के लिए रिझाने के लिए गलत तरीके से पैसा बांट दिया, खटाखट खटाखट तुम्हारा कर्ज माफी भी करेंगे, तुम्हारा ये भी करेंगे, तुम्हारा वो भी करेंगे। अरे भाई, आप इरिगेशन के प्रोजेक्ट इतने दिनों तक खाली पड़े रहे, 80,000 करोड़ रुपये मोदी जी ने लगाया है, 80,000 करोड़ रुपये लगाया है 99 सिंचाई परियोजनाओं को बेहतर बनाने को पूरा करने के लिए। देश में किस कदर की पॉलिसी पैरालिसिस थी आप समझिए कि 2004 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, हुए थे ना 2004 में लोकसभा के चुनाव, उसमें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा कि हम सबके घर में बिजली पहुँचाएंगे। फिर 2009 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम सबके घर में बिजली पहुंचाएंगे। 2014 में मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें फिर कांग्रेस ने कहा हम सबके घर में बिजली पहुंचाएंगे। 2004 में, 2009 में, 2014 में 3 बार मैनिफेस्टो में कांग्रेस डालती रही कि हम घर घर में बिजली पहुंचाएंगे और अभी पिछले 4 साल में 2,46,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम इस मोदी जी की सरकार ने किया। तथ्य है,
19,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। आप तो बोलते रहे 10 साल से 3 चुनाव के मैनिफेस्टो में हम बिजली पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे। इस कदर की पॉलिसी पैरालिसिस इस देश में रही है। आप सबको पता है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। उसका भूमि पूजन किसने किया था आप लोगों को पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया था। उसका लोकार्पण किसने किया? मोदी जी आकर लग कर करवाए उस काम को कंप्लीट। अरे भाई, पंडित नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय की जो परियोजना थी उसको पूरा कराने का फुर्सत कांग्रेस को इतने साल 50-60 साल शासन करने के बाद नहीं मिला। इस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस। तो आज देश की स्थिति परिस्थिति को हमको समझना है, और आज देश की स्थिति परिस्थिति को समझ के कि भाई जो युवाओं को कैसे आगे ले जा सकते हैं, देश के भविष्य को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इन तथ्यों को हमको समझना है। स्किल इंडिया के तहत हम मोदी जी चाह रहे हैं कि सब लोग भारतवासी स्किल्ड बने। मुद्रा योजना 13 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दी का लाभ दिया गया, उसमें 4.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो पहली बार लोन लिए बैंक से पहली बार लोन लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, 1969-70 के आसपास, ठीक है। लेकिन गरीबों के खाते खुल पाए थे? 42 करोड़ लोगों के खाते इन 4.5 सालों में मोदी जी ने खोले। 42 करोड़ लोगों को गरीब को बैंक के दरवाजे तक ले जाना जरूरी था कि 42 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए मोदी जी ने। 13 करोड़ लोगों को मुद्रा के तहत लोन दिया गया है। आज करीब 9 करोड़ शौचालय बनवाने का काम किया गया। आज़ादी के बाद से आज तक शौचालय बनाने का काम इस देश में पूरा नहीं हो पाया था, ये पॉलिसी पैरालिसिस। 9 करोड़ टॉयलेट बनवाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। पाकिस्तान भी हमसे अच्छा था ओपन डेफिकेशन के, उनके यहाँ ज़्यादा बेटर टॉयलेट कवरेज था पाकिस्तान में। बांग्लादेश का और भी अच्छा, श्रीलंका का और भी अच्छा। वहाँ से हम लोग 9 करोड़ टॉयलेट बना के देश को ओपन डेफिकेशन से फ्री करने का काम आदरणीय मोदी जी का। 6 करोड़ माताओं को, बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। 100 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण और विक्रय दोनों मिलाकर 100 करोड़ एलईडी बल्ब का काम किया गया। क्या गए कि नहीं ये सब में? मैं तथ्य बता रहा हूँ आपको, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा। 42 करोड़ लोगों के खाते खुलवाना, इस तरह के जो काम है वो एक देश को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश है। आप बताइए, देश में लोग टैक्स नहीं देते थे, इतना बड़ा देश है, हम लोग कितने जनसंख्या हो गया? अब 130 करोड़ से ऊपर हो गए, 130 करोड़, ठीक है, 133-134 करोड़ के लगभग हो गए देश में। बताइए मोदी जी के आने से पहले कितने टैक्स पेयर थे, कितने लोग इनकम टैक्स देते थे, कितना परसेंट का? 40%। अगर आप बोलते हैं अपन, तो कितने करोड़ टैक्स पेयर होते हैं? 50 करोड़। 3,79,00,000 लोग टैक्स देते थे केवल भारत के 133 करोड़ मोदी जी के, केवल 3,79,00,000, ठीक है। हम टैक्स देंगे नहीं तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? आप मुझे आप बताइए, आज गांव में चले जाते हैं हम, भाई ऐसा स्कूल होना चाहिए कि नहीं, कि गरीब माता पिता भी सोचे कि मैं अगर अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज दूंगा, उस सरकारी स्कूल में भेज दूंगा, तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। ये सब कैसे सुधरेगा? तो 3,79,00,000 लोग टैक्स देंगे, 133 करोड़ तो सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। मोदी जी ने 3,79,00,000 लोग जो टैक्स देते थे उनको बढ़ा के 7 करोड़ से ऊपर पहुंचाया 4.5 साल। पहले 3,79,00,000 लोग टैक्स देते थे, 3,25,00,000 और टैक्स पेयर उन्होंने जोड़ा। जो सर्विस टैक्स देते थे वो कितने लोग देते थे? 65 लाख लोग, केवल 65 लाख इंटरप्रेन्योर सर्विस टैक्स देते, केवल 65 लाख। उसको जीएसटी का इतना हल्ला बोला जाता है। मैं आप सब देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठाने की कोशिश की जाती है अफवाहों के माध्यम से, ये जीएसटी भारी गलत है, भारी गड़बड़ है, भारी गड़बड़। ऐसी बैठाने की कोशिश की जा रही है।
जीएसटी 50 साल पहले बड़ी बड़ी इकोनॉमी ने, छोटी छोटी इकोनॉमी ने सबने अपना लिया, और 17 टैक्स और 23 सेस को मर्ज करके एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम जीएसटी लागू किया है मोदी ने, ताकि व्यापारियों को सहूलियत हो सके, इजी पड़ सके। इसके लिए उन्होंने जीएसटी लागू किया। उसको राहुल गांधी जी कांग्रेस की ओर से क्या बोला जाता है, गब्बर सिंह को। अरे भाई, 17 टैक्स को खत्म करके 23 सेस को खत्म करके जीएसटी लगाया गया, और जीएसटी में 20 लाख तक जो सामान बेचता है, ठीक है, उसको 20 लाख तक जो सामान बेचता है उसको किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और 1 अप्रैल से शायद अब वो 40 लाख होगा। 40 लाख का जो हम सामान बेचते हैं, 40 लाख तक का जो सामान बेचते हैं उसको किसी भी प्रकार के कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, छोटे व्यापारी उससे प्रभावित हो रहे हैं? और बड़ा व्यापारी को पूछिए आप, इतने सारे टैक्स और वो सब देने के बाद उस छोटे व्यापारी के लिए एक ही समस्या रहती थी कि कंप्यूटर में कैसे एंट्री करेंगे, कैसे उसको भरेंगे, ये सब थोड़ा दिक्कत लगता था। बड़े व्यापारी के पास कंप्यूटर है, डाटा एंट्री सब रहता है, उसको 17 टैक्स और 23 सेस से मुक्ति देते हुए एक जीएसटी, एक टैक्स सिस्टम पूरे देश में लागू करके, जो बॉर्डर पे सैकड़ों हजारों ट्रक खड़ी रहती थी एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर पे जाते थे, और दुनिया भर के उसमें भ्रष्टाचार होता था, उगाही होता था, कमीशन होता था, उसको समाप्त करने वाला टैक्स है जीएसटी। छोटे व्यापारियों को पूरा मुक्त करते हुए 65 लाख जो सर्विस टैक्स पेयर थे, जीएसटी लागू करने के एक साल के भीतर वो डबल हो गए। तो ये सारी नीतियों से उन लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, उन लोगों को बुरा लग रहा है जिनको भाई टैक्स की चोरी करनी है, जिनको उल्टा सीधा करना है। और देखिए, जो टैक्स हम जब देते रहते हैं तो टैक्स का भार हम पे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि जो टैक्स देने वाला है वो बहुत कम है। हम लोग जब टैक्स देने लायक सभी लोग टैक्स के दायरे में आ जाएंगे तो सब पे भार को कम किया जा सकता है। और ऐसा मोदी जी ने 7 करोड़ टैक्स पेयर की संख्या को बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ अभी इस बजट में क्या प्रावधान कर दिया, 5 लाख तक वालों को पूरा फ्री कर दिया। जब हम लोग ज़्यादा टैक्स देने वाले लायक लोगों को सामने लाएंगे, जो गलत कर रहे हैं उनको सामने लाएंगे और संख्या बढ़ेगी, तो जो आज पे कर रहे हैं उनकी भी दर को, टैक्स को कम किया जा सकता है और देश को विकास के रास्ते पर। और नहीं तो यही है कि जो सिधवा है, जो देना चाहता है या जो दे रहा है वही देते रहेगा, और जो नहीं देना चाह रहा है वो भगा रहेगा। ठीक है, तो इन सब तथ्यों को हमको समझना है। और ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, एक देश बनाने के लिए, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए। जब हमारे फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, एक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, जब हम ब्रिटेन को छोड़ पाएंगे, हम आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, तो आने वाले आठ सालों में हमारा टारगेट है कि हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। इस तरह के जब हम टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश वास्तविक अर्थों में मजबूत हो सकता है। भाई मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपए लगाकर 99 सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत किया, उससे खेती सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? भाई उनके लिए भी आसान सा ऑप्शन था कि 80,000 करोड़ रुपए को बांटने का कोई योजना ले आते, लेकिन अल्टीमेटली हमारा किसान ही उससे सफर करेगा अगर सिंचाई की सुविधाएं नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले किसानों को जो लोन लेते थे उस पर 14% ब्याज देना पड़ता, उसको आज कितना प्रतिशत देना पड़ता है, 0% ब्याज देना पड़ता। जब हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो 72 लाख पंप कनेक्शन थे, आज 72,000 पंप कनेक्शन थे, आज 4.5 लाख पंप कनेक्शन है बिजली। तो इससे किसान भाइयों की दशा सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? धान खरीदी का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ में बना। पीडीएस की बात करते हैं, हम बस्तर की जमीन पे खड़े हैं, बस्तर में आप बताइए जो आदिवासी भाई बहन है वो मानेंगे इस बात को कि पीडीएस व्यवस्था ना होने का हमारा आदिवासी भाई कैसे सफर करता था। जो दूर दूर के गांव के लोग हैं वो चिरौंजी इकट्ठा करते थे, महुआ इकट्ठा करते थे, इमली इकट्ठा करते थे, और ला के बाजार, हाट बाजार में उसके बदले क्या लेके जाते थे, नमक लेके जाते थे, 2-2 किलो 3-3 किलो चिरौंजी के बदले। जी सैकड़ों हजारों रुपये किलो का चिरौंजी होता, उसके बदले नमक भी देते। तो किसी आदिवासी भाई बहन के शोषण का अगर सबसे बड़ा प्रतीक रहा है बस्तर में तो नमक रहा है। उस नमक को फ्री में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने किया, पीडीएस व्यवस्था लागू करके शोषण के सबसे बड़े प्रतीक नमक को समाप्त किया।
किया है कि नहीं किया, आप ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें की गई, ठीक है, लोकतंत्र है, 15 साल में परिवर्तन हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला चुनाव हम जीते, दूसरा चुनाव हम जीते, तीसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन चौथे चुनाव में ठीक है जनमत हमारे पक्ष में नहीं आया है, तो हम लोग फिर से हम सही बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट का इलेक्शन में जो हुआ है, जैसा हुआ है, उसके अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम देश के परिदृश्य को देखें। मोदी जी वहाँ पे खड़े हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरे तरफ सभी लोग, पता ही नहीं है, ऐसी बारात निकल गई है जिसका दूल्हा ही नहीं है और सब लोग दूल्हा बनना चाह रहे हैं। ऐसी बारात निकली है कि नहीं निकली, बता दें। अभी ममता बनर्जी जी बोलोगे, कौन बने? ममता बनर्जी जी बोली मैं बनूंगी, है ना, मायावती जी बोली मैं बनूंगी, अखिलेश जी बोलेंगे नेताजी का बेटा मैं हूँ, मैं बनूंगा, ठीक है, यही चलेगा। और ऐसे जब भी देश में सिचुएशन पैदा हुआ है तो तुरंत सरकारें गिर जाती हैं। 1996-97 में पता है ना, जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, जब इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस बाहर से समर्थन देती रहती है, ठीक है, चंद्रशेखर जी थे तब बाहर कांग्रेस बाहर से समर्थन देती है, ठीक है, और जब मन करे, जब चलता रहता है गडमट गडमट देश को चलाते रहते हैं, अस्थिरता का माहौल बना के रखते हैं, और जब लगता है कि हाँ आप चुनाव लायक ठीक है तो सरकार को गिरा देते हैं, देश से कोई मतलब नहीं, अपनी सत्ता पाने से मतलब। एक तरफ हमको मजबूर सरकार चाहिए कि दूसरी तरफ हमको मोदी जी वाला मजबूत सरकार। आज चुनाव करना है हमको कि मोदी जी या राहुल गांधी जी या अन्य लोग हैं, ममता बनर्जी जी उनको भी पीछे छोड़ना चाह रही है, मोदी जी या अन्य, इसमें हमको चुनाव करना है। हमको आज चुनाव करना है मजबूत सरकार और मजबूत सरकार के बीच में चुनाव करना है। ये आप लोगों का निर्णय है, ये सारे देश का निर्णय होगा कि देश को हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, अनुरोध है कि मोदी जी के लिए, इस देश के बेहतर भविष्य के लिए, इस देश के लोकतंत्र के बेहतर भविष्य के लिए हम सब लोग मिलकर मोदी जी का समर्थन करें और देश में मोदी जी को मजबूत बनाएं, ताकि हमारा देश मजबूत बन सके और फिर से सोने की चिड़िया बन सके। आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग और कुछ भी अगर मेरे से सलाह चाहते हैं, इंटरेक्शन चाहते हैं कुछ भी, तो हम कार्यक्रम के बाद भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई सुझाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन नंबर का